You girl? No? You are dancer? Dance. 500 half? भाई क्या तो ये देख लो भाई, यहाँ पे धीरज प्रसाद जी क्या कर रहे हो भाई? ये लॉलीपॉप। ये कैसी लॉलीपॉप है? ये लंबी सी मुंबई की भाई। मुंबई की लॉलीपॉप पसंद आ रही है? मतलब भाई जो दिल्ली वाली लॉलीपॉप देने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। अरे भाई यहाँ पे लॉलीपॉप भी कैसी सी है यार। भाई मैं बता रहा हूँ, ये लॉलीपॉप तो यार मतलब कैसे खाते होंगे यार, लड़के कैसे खा पाते होंगे यार। लड़के वो भी लड़कों के सामने। भाई बंदा तो फुल लॉलीपॉप दे रहे लंबी सी और इसको भी चोच से खा रहा था। हमारी भी है इधर। हां हमारी भी है इधर। ये भी दिखा देता हूं, मेरी बेइज्जती हो रही है। ये तो भाई ये पीछे क्या है? ये क्या दिख रहा है? ये नहीं नहीं ये इसके अंदर ये पावर बैंक है। पावर बैंक ही टाइप भाई की हवा लग गई है मुझे। भाई हवा लग गई है, कहां जा रहे लाइफ फिर तू? देवारे देवा भाई अपन जा रहे हैं आज नाइट आउट पे। नाइट आउट पे फुल मुंबई छान मारने। हाँ मारते हैं छान बाबा। कुणाल बाबा क्या फील है आज का? फुल मौज कर रहा है कुणाल बाबा। तुम कह रहे थे मुझे कि भाई मतलब हम होटल बस यू ही ले लेते हैं। लेते क्यों है हम तो ये बत भाई कितने का पड़ा था ये 30? भाई ये बहुत महंगा होटल है यार, ये अपने को 3,800 है। हाँ, और लगभग 4,000 का बैग के लिए। बस बस सामान रखते हैं, सामान रखे चले गए। जैसे चेक इन किया उसके बाद ही तो भाई फुल मूड से हम यार नाइट आउट के निकल गए। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, ये अपना होटल लकी है, ठीक है? लकी होटल। अब सही सलामत है, अपने ऊपर लक बरसे रहे भगवान का कि नाइट आउट से बढ़िया घूम के आ जाए, ठीक है? क्योंकि हम जब नाइट आउट निकलते ना भाई तो कुछ पता नहीं होता कैसे क्या कांड हो जाए, कभी कोई हॉन्टेड हाउस दिख जाए बीच में, उसमें चले आते हैं हम तो फुल कांडी है ना। तो अभी का प्लान बस इतना है कि यार अब जरा टैक्सी वगैरह पकड़े हैं। तुम देख लो मतलब एक चीज़ है मुंबई में भाई, मतलब ठंड रात में भी ना है इनके लिए बहुत है, अपने को नॉर्मल सी लग रही है। सुबह वाली है ना, सुबह दोपहर में ठीक ठीक है, धूप आती है वही वाली है। तो दिल्ली में ऐसा ही होता है। हमें क्या है भाई ने एक चीज़ बताई है कि यार मुंबई में नाइट लाइफ के लिए ना पहले आपको बांद्रा की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है? बांद्रा थोड़ा हैपनिंग है और बांद्रा से अगर आपको मूड हुआ अगर और अच्छा देखना है तो वहाँ से सीलिंग क्रॉस करके अपने मेन उस तरफ, मतलब जो उस तरफ का मुंबई पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, हमने यार ऑटो चेंज करके अकबर अली भाई के साथ आ गए हैं। अकबर अली जी आपको बताया हमें पूरा नाइट लाइफ आपको घुमाना है, मतलब बॉम्बे में क्या क्या रात में मतलब अवेलेबल होता है खाने पीने की जगह से लेकर सब कुछ, ठीक है? तो अभी हमें घूमते घूमते अकबर जी यहाँ पे काफ़ी मतलब प्रोस्टिट्यूट बोल सकते हैं हम, है ना, वो मिले थे। तो वो कौन थे, मतलब वो लड़कियाँ थी? छक्के लोग तो छक्के लोग थे वो। तो ये लोग यहाँ पे मतलब ये महीम स्टेशन है तो इधर खड़े होते हैं माहिम और माटुंगा के बीच में। माहिम और माटुंगा के बीच में। तो एक बार आप मुझे वाक्य बता रहे थे क्या हुआ था आपके कस्टमर लोगों ने लेके जा रहे थे आप? हाँ तो वही कस्टमर लोग बोल रहे थे कि आप मतलब सर्विस कितना है, चार्ज तुम्हारा हाफ का कितना है। अच्छा छक्कों से पूछ रहे हैं? हाँ कस्टमर लोग। अच्छा फिर बोला कि हाफ 500 है, फुल 1,000 है। अच्छा बस इतना बात हुआ, चले गए। अकबर जी आप गए हो कभी ऐसे इन लोगों के पास? नहीं आपको इंटरेस्ट नहीं है। हमने एक अपने ड्राइवर भाई से बात करी थी शाम में तो वो कह रहे थे कि अगर पब वगैरह जाना है तो वो भी मतलब रहता है लेकिन वीकेंड्स पे। यहाँ सामने भी खड़े हैं, जैसे इनसे क्या पूछना होता है? एक्सक्यूज मी यू आर वेरी ब्यूटीफुल यू गर्ल, नो यू आर डांसर? डांसर। ओके तो व्हाट प्राइस? आई एम फीलिंग मेस्मराइजिंग टॉकिंग टू यू। अकबर जी की शक्ल देखो एक बार। अकबर जी बोल रहे आज की रात मैं सदियों तक याद रखूंगा, बड़े खतरनाक लोग मिले हैं। एक बार जरा हम बंद करते हैं, ठीक है? लड़की तो नहीं, यहाँ पे लड़की नहीं मिलेगी। वही 500 अच्छा ठीक है। चलाओ अकबर जी उनका नाम एड्रेस तो पूछा ही नहीं। लोगों को पूछेंगे थोड़ा, हम भी पहली बारी कर रहे हैं अभी, गांठ पट रही है। बार वगैरह होते हैं ना जहाँ पे डांस वांस भी चलता रहता है, अब पता नहीं हम वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे लेकिन लेकिन पता मेरा मूड तो नहीं है,
क्योंकि 4 बज रहे हैं। और यहाँ भी दिखा दो यार नाइट लाइफ, मतलब ये भी आता है कि जो सब्जी वाले हैं वो अपनी मतलब मंडी लगा रहे हैं ना। हाँ यार, ये स्टार्ट हो जाती है इतने बजे, और ये कब तक चलती है? सुबह आठ बजे तक। तो ये जो है यहाँ पे फूल मार्केट है, फूल वगैरह मिल रहे हैं। अरे वाह, तो हर टाइप का फूल मिलता है यहाँ पे। तो ये दादर पे मिलता है, है? अरे वाह, और दादर के इस तरफ सारा सब्जियों का, सब्जी का इस साइड फूलों का। हाँ क्या बात है, तुम लोगों की ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी आती थी कि यार भाई आप थोड़ा रेड लाइट एरिया वगैरह भी दिखाओ साथ साथ। और लिटरली बताओ भाई, प्लान पूरा नाइट आउट का था, पर भाई घूमते घूमते हमें कमाठीपुरा साइड ले आए, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई, कमाठीपुरा अपना वही है ना जो गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी थी वो कमाठीपुरा भी बेस्ड थी। हाँ जी जी। तो इधर से कमाठीपुरा किस तरफ पड़ेगा? बस सिग्नल से राइट। अच्छा, तो वो मूवी पूरी उसी जगह के ऊपर बनी हुई है, मतलब उसी कैरेक्टर के ऊपर जो उधर ही काम करती थी? हाँ जी जी। अरे वाह भाई, तो अब वही यार कि अब निकले हैं तो चलो, तुम लोगों की डिमांड भी काफ़ी आ रही थी तो एक बार दिखाई देते हैं यार। पर ये चीज़ है कि भाई ऐसी जगह पे ना वीडियो आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तुम लोगों को पता है। और थोड़ा सेफली करेंगे हम, इसलिए जिनसे मतलब हो पाए उससे ही बात करूँगा मैं। और वीडियो ऑन रहेगी भाई, धीरे भाई पीछे से वीडियो ऑन रखेगा, है ना, जितना मतलब कैप्चर हो पाए कैप्चर कर लेंगे। और पूछते हैं जरा भाई, तूने देखी है भाई मूवी? भाई आपने नहीं, पर आपने सुना है ना कि मुंबई की एक जगह पे मतलब बेस्ड है, रेड लाइट एरिया है। हाँ। सुनो, मेरे ना सर में बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है, पर मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूँ, अब जो तुम्हें क्लिप्स आने वाले ना वो धीरज के फोन से रिकॉर्ड हुई है, वो भी हमने बहुत सारी ऐप बहुत सारी एक सिस्टम लगा के कि स्क्रीन बंद होगा तब जाके फिर भी रिकॉर्ड हो पाए, सब कुछ करके हमने तिगड़म लगाया है। और बहुत ऑडियो में बीच में दिक्कत आएगी, तो एक जगह मैनेज कर लेना थोड़ा बहुत करके, तो मैं धीरे कर दूंगा, पर तुम लोग विजुअल्स देखना, मज़ा तुम्हें विजुअल्स में आएगा ना। वो तो पता है बेटे, तुम लोग वीडियो क्यों देख रहे हो? हाँ ठीक सब है, मैं बना रहा हूँ, तुम देख रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम देखो, ठीक है, मुझे ये बताना था। अब यहाँ पे क्या है, मैं उनसे ना बस यूँ ही टाइम पास वाली बातें कर रहा था, ठीक है, ऊपर बहुत ओपन माइंडेड कूल है ये सारी सच में। और अगर तुम्हें देखो फैक्ट बता रहा, अगर पसंद देखो, वैसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए ये सब, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है या फिर कोई अगर इनटू है चीज़ों में तो भाई तुम लोग जाके मिल भी सकते हो इनसे, ठीक है। बहुत कैजुअल बहुत फन वे से बात करते हैं, और उधर अलग दुनिया भाई लिटरली। अभी भी देखो मैं घूम रहा हूँ, वहाँ भी खड़ी हूँ उस तरफ, हाँ। और मतलब देखो मैंने ना शक्ल ब्लर वगैरह बस जानबूझ के नहीं करी, क्योंकि यार बहुत एक तो गंदी क्लिप्स आ रही है, और कितनों की शक्ल ब्लर करता मैं, ठीक है, मतलब इनका क्या प्राइवेसी वाला मैटर है, तुम जाके मिल सकते हो, उधर ही मिलेंगी तुम्हें ये। और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह यूट्यूब पे हैं इनके ऊपर, देखो जैसे यहाँ पे फ़न कर रही है। और इसमें तुम्हें ये ब्लू टी शर्ट के बगल में देखो लड़की आंटी बेसिकली दिखेगी, और उसके पीछे देखो एक वाइट वाले के पीछे भी है, तो इनसे भी रेट करते थे सबका 330 है, मतलब वही है जो अपना जी रोड में चलता है ना रेट। बस अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों अभी मौका है, वीडियो स्किप कर दो, अगर तुमने यहाँ तक देख लिया तो ऑफकोर्स स्किप तो करोगे नहीं, पर प्लीज़ ये सब कभी ट्राई मत करना, ये सबकी उम्र होती है, ठीक है, मैं ये भी सजेशन दे देता हूँ, उम्र में करते हैं ये सब, उम्र से पहले नहीं, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर द वीडियो पर्पज़, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी इन्जॉय करो। जो ये वाली थी ना, ये हमने तब से नोटिस करी थी, ये बोल रही थी मुझे कि तुम तब से घूम रहे हो, तुम्हें एक दो घंटा हो गए घूमते हुए, किसी को पसंद तो कर रहे हो नहीं, तुम टाइम पास वाले हो, मैं जो सब पे जाते हैं उससे मैं नहीं करती, जो सिर्फ मेरे पास आया है उससे मैं कर, समझ रहे हो ना बात, ठीक है।
और अगर मैं तुमने वो प्राइवेसी वाली बलर वाली बात कंटिन्यू करूँ, मुझे एक और पॉइंट याद आया बेसिकली जो तुमने बोलना था, वो कहता है जो जिनका प्राइवेसी कंसर्न होता है ना, जिनको छुप के काम जो करते हैं वो ऊपर मिलेंगी तुम्हें। भाई जितना मुझसे हो पाया तो मैं तुम लोगों को दिखा दिया, ठीक है। और ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैंने यार थोड़ा वॉइस और हल्का बीच में कर दिया, मुझे पता है। और मेन क्या है कि यार कुणाल भाई वो कितने बढ़िया है, कुणाल भाई भाई ये बताओ मुझे। अब देखो हम थोड़ा सा ना यहाँ पे अपने जो ऑटो वाले भाई थे उनसे सीख गए हम कैसे बात करना, बाय क्या बोलता बच्ची बाय। तो मेन क्या है, मैं और दिल भाई गए थे, ठीक है, बड़ी हिम्मत दिखा के कुणाल भाई ने बोला था कि यार मैं टैक्सी बैठ के अपना बैकअप दूंगा यार, कुछ भी सीन वीन हो, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक एरिया ना यार, कुछ भी मैटर हो ऐसा तो भाई मैं आ तो पाऊँ ना, फंसेंगे तो फिर सीधा तीनों फंस जाएंगे। तो वाली बात भी भाई की ठीक थी यार, इसलिए भाई को थोड़ा रुकने दिया, थोड़ा डेंजर एरिया भी तो है ना यार, वो समझ रहे हो ना। बड़ी मुश्किल से तुम लोगों ने रिकॉर्ड कर पाया। और अभी क्या है, मैं मरीन ड्राइव आ गया हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो मरीन ड्राइव है। और टाइम कितना हो रहा है भाई, 6 बजने वाले होंगे भाई। और मेन क्या है भाई, यहाँ पे ये अपनी कॉफ़ी, ठीक है भाई, यहाँ पे बूस्ट पी रहे हैं और भाई भी तो बूस्ट पी रहे हैं। भाई क्यों बूस्ट पी रहे हो, माई एनर्जी। पर हाँ एक चीज़ है भाई, मुंबई में यार अभी भी चाय कॉफ़ी और साथ में बूस्ट मिलती है, ये मैं किसी रैंडम ने बताया था, हम आज पहली बार ट्राई कर रहे हैं भाई। इतने टाइम पहले पिया था, हाँ पता नहीं है मतलब भाई, हाँ पहले पिया था ना बचपन में, वैसे ही खाना खाने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन इतनी बढ़िया यहाँ पे दुकान मिली है, हाजी अली जूस सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना सही चीज़ हम खा रहे हैं भाई, पहली बार खा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। इसमें मलाई है प्रॉपर मीठी मलाई और शहतूत, भाई स्वाद आ गया भाई। ये हमने दिल्ली में कहाँ खाया है यार, दिल्ली में ऐसा नहीं खाया, तो खाया है। पर शायद हाँ शायद तो देखो भाई मुझे लगता है हर किसी ने खाया होगा, पर इस तरीके से मिक्सचर ये कॉम्बिनेशन में नहीं खाया। हाँ यार वो रही अपनी टैक्सी, और एक बार घूमते घूमते हम सुबह शाहरुख खान के मन्नत में आ गए, ठीक है। वो मन्नत का बंगलो है और उसके पीछे वाला प्रॉपर जो बना रखा है बंगलों के अलावा, बहुत बढ़िया बना रखा है, ठीक है। कल रात भी हम जुहू बीच में ही थे, आज भी हम अपनी मॉर्निंग जुहू बीच में कर रहे हैं, ठीक है। क्या बात भाई, मुझे लगता है नाइट आउट तो यार हमने ही मारा है फुल, देख रहा है क्या लंबा चक्कर मार के एकदम ज़्यादा वापस जुहू रात की तरह। ये बढ़िया है कि यार अपना जुहू से मतलब पास है पूरे गाँव, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सुबह की ताजगी जो होती है ना, ये बड़ा मिस करता था यार मैं, क्योंकि ऑफकोर्स दिल्ली में एक तो ताजगी नहीं है और एक तो हमारी दिल्ली में सुबह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आके दोनों हो रही है, ताजगी भी है एक, सुबह भी इंजॉय कर पा रहे हैं। मतलब सुनाते हो अपना दिल्ली में क्या स्केड्यूल इतना टाइट रहता है, मतलब स्केड्यूल टाइट भी क्या, थोड़ा सा अपन लेट भी उठते हैं, रात में लेट सोते हैं, तो काम काम में सोना होता है, सुबह सोना होता है यार, मेन तो यही है, रात को जगना होता है, रात को जगना होता है, ठीक है। और मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी, तुम में से एक ही बंदा यहाँ पे आके ना वो फील करे, तो मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है। मेन चीज़ यही है, मतलब एक जो ठंडी हवा है, पर ये ऐसी है कि यार आप जब उसको आराम से इनहेल कर रहे हो ना, तो एक अंदर से फ्रेश करते हो जा रही है, पीसफुली लग रहा है। हाँ ये काफ़ी सही है। ये देखो भाई वहाँ पे अपनी जेट्स की भी चल रही है, तो शायद सुबह सुबह जेट्स की राइड्स वगैरह भी होती रहती है, ठीक है। वो देखो उधर भी, ये देखो देख रहे हो फुल ऑन, हो भाई लंबा चक्कर मरवा रहे हैं यार ये तो फुल, और ऐसा लग रहा है वो अपनी कौन सी पार्टनर मूवी एक शॉट है ना ऐसे जर्सी वाला, ओ भाई बड़ा बेहतरीन भाई। अब यार अब यहाँ पे चिल करके ना हम फटाफट से होटल आके सोएंगे, ठीक है। पूरी रात अपन सोए नहीं है, नाइट डॉट वाली वीडियो लाई तो वाइड ले, तो वीडियो में लाइक वाइक मार देना यार, चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मुंबई पूरे भारत भर को दिखाओ, मुंबई का रेड लाइट एरिया है खतरनाक सा, ठीक है, खतरनाक और फन भी थोड़ा बहुत, है ना। बाकी चलो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट कर देना तुम वीडियो कैसी लगी, और तुमसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी, नेक्स्ट वीडियो सरप्राइज तुम्हारे लिए यार बहुत तगड़ा हमने चुन रखा है। बाकी चलो बाय बाय बाय।